भाद्रपद पिठौरी अमावस्या 2024 2 या 3 सितंबर, ये है सही तारीख। करना न भूले ये तीन काम। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2024 में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पिठौरी अमावस्या की सही तारीख, पूजा व स्नान दान का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले खास उपायों के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या को कुश ग्रहणी, भादु, पिठौरी और कुशोत्पाटिनी अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों में पूर्णिमा की तरह अमावस्या तिथि का भी खास महत्व है। भाद्रपद मास की इस अमावस्या को कुशा नामक घास इकट्ठा की जाती है, इसीलिए इसे कुश ग्रहणी अमावस्या कहते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और पितृ तर्पण करना बेहद शुभ होता है। आइए जानते हैं साल 2024 में भाद्रपद अमावस्या की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, स्नान दान का समय, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले उपाय क्या हैं। भाद्रपद अमावस्या शुभ मुहूर्त 2024। साल 2024 में भाद्रपद या पिठौरी अमावस्या 2 सितंबर सोमवार को होगी। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 2 सितंबर प्रातःकाल 5:21। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 3 सितंबर प्रातःकाल 7:24। प्रदोष काल पूजा का मुहूर्त होगा सायंकाल 6:25 से रात्रि 8:46। स्नान दान का समय होगा प्रातःकाल 4:38 से प्रातःकाल 5:24। यह अमावस्या सोमवार को है, इसीलिए इस दिन सोमवती अमावस्या का संयोग बनेगा। अमावस्या पूजा विधि। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर पितरों की आत्म शांति के लिए तर्पण या पिंडदान करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें, ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। भाद्रपद अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना शुभ बताया गया है। इस दिन पीपल में जल देकर दीपक जलाना चाहिए। भाद्रपद पिठौरी अमावस्या उपाय। भाद्रपद अमावस्या के दिन कुशा घास की अंगूठी पहनकर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। मान्यता है कि भाद्रपद अमावस्या के दिन कुश के आसन पर बैठकर पूजा करने से देवी देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं। पिठौरी अमावस्या के दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाने से पाप कर्मों का क्षय होता है और पुण्य कर्म उदय होते हैं। भाद्रपद अमावस्या के दिन सोमवती अमावस्या है, ऐसे में सुबह पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं और शाम को वहां पर सरसों के तेल का दिया जलाना अति शुभ होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।